शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है, बारिश की तरह बरस रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, मंगलमय मंगलवार। परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की करो, परम शक्ति की कहो, महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में, ताकि हम इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर अद्भुत रहस्यमय जीवन की जो यात्रा है, देखो कैसी यात्रा है, ठीक से अनुभव करो। हम सब कौन है, हमारे सबके बीच क्या संबंध है, हम सब लोग कहाँ से आ रहे हैं, हम सब लोग इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मों का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, और हम सब जीवन की महाधारा में बहते 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 किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। देखो कितना अद्भुत रहस्यमय जीवन, और जीवन का परम स्वाद, विविध रंगों से भरा हुआ ये जीवन, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, इस तरह से अनेक रंगों से भरा हुआ हमारा जीवन, इसको हम जान सके, समझ सके, जीवन का स्वाद ले सके, इसलिए एक अवसर और हमारे हाथों में, और हमें स्मरण रखना है ये अवसर हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा, अर्थात आज का दिन कभी भी वापस नहीं लौटेगा, इसलिए आज के दिन को खोना नहीं है। जितनी हमारी क्षमता आज के दिन को जानने की, एक भी क्षण खोनी नहीं है, व्यर्थ में गंवाना नहीं है। मंगलमय मंगलवार प्रकट हो रहा है, हमारे हाथों में आ रहा है। चलो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे जो नया जीवन, नई भेंट हमारे हाथों में आ रही है, उसका हम स्वागत करेंगे, नए मंगलवार का स्वागत करेंगे। स्वागत प्रार्थना के माध्यम से अनुसरण करें ये प्रार्थना, खुल के बोले और देखो क्या फर्क पड़ जाता है आपके जीवन में। ये प्रार्थना आप स्वयं करें, प्रातः काल में करवाए ये प्रार्थना। हम उतर रहे हैं स्वागत प्रार्थना में। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे मंगलवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे मंगलवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। धर्म का अर्थ क्या होता है आपकी दृष्टिकोण से? अगर मैं मेरा दृष्टिकोण कहूँ तो वर्तमान में जीवन को जीने की कला, उसका जो पर्याय है, इसे धर्म कहा जाता है। धर्म का अर्थ कला होता है, किस तरह से जीवन को जीना, इसका मार्गदर्शन, ये कला है। मंगलवार के नाम से अद्भुत संदेश, मंगलमय दिन, आज का दिन मंगलमय, उसका पर्याय प्रसन्नता के साथ जीना,
और मैं इसको सिंपल कर दूं, सरल कर दूं, हल्का फुल्का होके जीना। आज का दिन आकाश में उड्डयन करने का दिन, हल्का फुल्कापन। मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, आपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव किया है, हल्का फुल्कापन का अनुभव किया है, और किया है तो कितना समय किया है? पूरा दिन क्या हम प्रसन्नता के साथ जी सकते हैं? पूरा दिन, हर क्षण, पूरा दिन हर क्षण हम हल्के फुल्के रहकर जी सकते हैं? जी सकते हैं। केवल आपका ध्यान इस तरफ जाए, इसलिए ये बात मैं कहता हूँ। जैसा हमारा ध्यान इस तरफ जाता है, हम जी सकते हैं प्रसन्नता के साथ। पहले अनुभव करो, आज अभी यहाँ। देखो, कल मैं आपको मिला था प्रातःकाल में, मैंने सोमवार का संदेश आपके हाथ में दिया था, आज मैं मंगलवार का संदेश आपके हाथ में दे रहा हूँ, और संभव हो तो कल मैं आपको बुधवार के नाम का संदेश आपके हाथ में दूंगा। अर्थात ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, जो वर्तमान है उसमें दोनों समाविष्ट है, भूतकाल भी समाविष्ट है उसी में। तुमने वर्तमान जाना, तुम्हारे हाथ में भूतकाल भी आ गया, तुम्हारे हाथ में भविष्य भी आ गया। क्योंकि भविष्य का जन्म, भविष्य कोई अलग नहीं, आप अनुभव करो कि भविष्य आता है हाथ में, जब भी वो आता है वो वर्तमान ही हो जाता है। इसलिए ठीक से अगर धर्म की व्याख्या की जाए तो वो है वर्तमान में जीवन को जीने की कला। आप कितना वर्तमान में जी सकते हो? क्या पूरा दिन आप वर्तमान में जी सकते हो? जी सकते हैं, ये कला है। जैसा हम प्रारंभ करते हैं अभी ही, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये आप सुन के वर्तमान में प्रविष्ट होना, अभी ही मैं बोल रहा हूं, मैं जो कुछ भी आपके साथ बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, वर्तमान में ही बोल रहा हूं। आप मुझे सुन रहे हैं, वर्तमान में ही सुन रहे हैं, और हम सब बहते हुए जा रहे हैं हर सांस और उच्छ्वास के साथ, हमारी जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है। देखो, सोमवार बदल गया मंगलवार में, तुम पहले अनुभव करो वर्तमान, आज अभी यहाँ। जैसे तुम वर्तमान में आए, ठीक से तुम वर्तमान में आए, इसकी निशानी क्या, इंडिकेटर क्या कि हम वर्तमान में आए कि नहीं आए, मैं आपको बताऊं, प्रसन्नता। अब मैं आपको पूछूंगा, क्या शांति, मैं कहता हूं आत्मा का संगीत, अवकाश का संगीत, मैं आत्मा को अंतर अवकाश कहता हूं, भीतर की स्पेस, इसका जो संगीत है वो है शांति। अब प्रसन्नता, क्या प्रसन्नता और शांति दोनों अलग अलग है? आपकी समझ के लिए प्रश्न, क्या शांति, क्या आत्मा, क्या प्रसन्नता, क्या परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान, आनंद, उल्लास, सरलता, सहजता, ये सब कुछ अलग अलग है? आपकी समझ के लिए मुख्य जो बात जाननी है, जो कला सीखनी है, महाकला, वो है वर्तमान। जब भी आप जीवन के संपर्क में आते हो, वो वर्तमान की क्षण है। मुक्ति और मोक्ष भी भविष्य के साथ संबंधित नहीं है। आप वर्तमान में आए, अपने मुक्ति को जाना, भविष्य से मुक्ति, भूतकाल से मुक्ति, मोक्ष, आप आ गए वर्तमान में। अर्थात आज का दिन हल्का फुल्कापन, फिर से याद दिला दूं, हम इतने हल्के फुल्के हो सकते हैं कि हम जिस तरह से आकाश में उड़ रहे हैं, पृथ्वी पर रहते रहते विदाउट प्लेन, विदाउट रॉकेट, रॉकेट में बैठे बिना, रॉकेट हमारे पास, हमारा शरीर अद्भुत रॉकेट, अद्भुत प्लेन हमारे पास। जितने हम हल्के फुल्के होते जाएंगे, उतना आपको लगेगा प्रसन्नता का अनुभव।
आपको लगेगा जैसे आप आकाश में उड्डयन कर रहे हो, और सच में हमारा जो भाव शरीर है हमारे पास, जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं, भीतर से शुद्ध, शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता पवित्रता, और भाव शरीर की शुद्धता पवित्रता, जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं, हमारा अंतर जगत भीतर से शुद्ध होता जाता है, हम प्रसन्नता का अनुभव बढ़ता जाता है जीवन में। छोटा सा उदाहरण दूं, जब आप स्नान करते हो, स्नान के बाद आपको क्यों हल्का फुल्कापन लगता है? प्रसन्नता का जहां भी अनुभव हो रहा है आपको, ये क्षण को खोना नहीं है। मैं आध्यात्मिक विज्ञान बताऊं, समझ लो अभी आपको प्रसन्नता लग रही है, अच्छा लग रहा है, हल्का फुल्कापन लग रहा है, आप इस क्षण को खोना नहीं है, ठीक से अनुभव करो, जितनी आपकी क्षमता अनुभव करो, ये प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी आपके जीवन में। जहां पर आप अनुभव करते हो, जितनी आपकी क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता जाएगा, प्रसन्नता अनुभव करने की क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी और प्रसन्नता भी बढ़ती चली जाएगी। तो आज के दिन हमें ये देखना है, हम कितना हल्का फुल्कापन धारण करके जी सकते हैं, कितनी प्रसन्नता के साथ जी सकते हैं, और जहाँ हम रहते हैं, जो लोग हमारे साथ रहते हैं, अगर मैं प्रसन्न हूँ तो मेरे भीतर से जो तरंगे प्रकट होगी वो भी प्रसन्न होगी, तो उन लोगों को भी प्रसन्नता ही मिलेगी। आप जहाँ रहते हो, आपके साथ जो लोग रहते हैं, आप अगर प्रसन्न होगे तो पूरे घर का वातावरण, जहाँ पर भी आप रहते हो, वो वातावरण प्रसन्न होगा, हल्का फुल्कापन होगा। और इस जगत में मैं कहता हूँ प्रसन्नता बढ़नी चाहिए, प्रसन्नता ये ज्ञान है, और ज्ञान को फैलाने में हम सबको काम करना है। क्या करना है? जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर अगर मैं प्रसन्न हूँ, हल्का फुल्कापन है, कोई मेरी मजाक भी उड़ा दे तो मुझे ये देखना है, कोई मेरी मजाक उड़ाता है, मुझे धक्का लगता है तो इतना ही मुझे समझना है, मेरे भीतर सूक्ष्म अहंकार है, और अहंकार के ऊपर मैं आपको बताऊं गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है। जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, हमारा जीवन है, उसके ऊपर दो मेन फोर्स है, और भी फोर्स है, लेकिन दो मुख्य फोर्स का प्रभाव आता है। एक है गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो पृथ्वी से प्रकट होता है, नीचे की ओर हमें ले जाता है, और एक है ऊर्ध्वगामी फोर्स जो आकाश की ओर ले जाता है। हल्का फुल्कापन का अर्थ है, प्रसन्नता का अर्थ है, हमारा संबंध बनता जा रहा है ऊर्ध्वगामी फोर्स से आकाश की ओर। हमारी जो आंतरिक शक्ति है वो मूलाधार चक्र से, ये योग की भाषा, मूलाधार चक्र से त्रिनेत्र की ओर बहती है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। जैसे जैसे आपकी शक्ति शुद्ध होती जाती है भीतर, शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, भाव की शक्ति, और ये तीनों अलग नहीं, आपने एक शुद्ध किया, शरीर शुद्ध किया, उसका असर आता है मन और भाव शरीर पर, आपने मूड को स्वस्थ किया, उसका असर आता है मन और शरीर पर, आपने मन को स्वस्थ किया, उसका असर आता है शरीर और भाव शरीर पर, इस तरह से सब जुड़ा हुआ है। तो आज के दिन हमें ये देखना है अभ्यास, जैसे कल हमने अभ्यास किया, हम पूरा दिन कितनी शांति के साथ जी सकते हैं, अब आज के दिन हमें अभ्यास करना है, हम प्रति पल प्रसन्न रह सकते हैं, इस कला को सीखना है। अगर आपकी बाहर की दौड़ समाप्त हो गई, दौड़ लिया आपने, काफी समझ ली, व्यर्थता आपने समझ ली, ये सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ये थोपा नहीं जा सकता। मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता कि रुपयों पैसों के पीछे दौड़ना व्यर्थ है, बंगला बनाना व्यर्थ है, ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब का अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और आप ठीक से देखो इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में कैसी व्यवस्था है, हम सब अपनी यात्रा करते 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 इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और
सबके लिए अपनी एग्जामिनेशन है, अपने आप एग्जाम लेने वाला कोई दिखता नहीं, फिर भी ठीक से अनुभव करो। आज के दिन की भी हर मनुष्य की अपनी एक छोटी सी कसौटी है कि जहाँ पर हम अटके हुए हैं या जो बात हमें जाननी है, समझनी है, इसकी व्यवस्था है, सूक्ष्म व्यवस्था इस पृथ्वी पर। इसलिए मैं जो आपके समक्ष एक विश्वविद्यालय रखता हूँ, यहाँ का विश्वविद्यालय ऐसा है, सिखाने वाला कोई भी नहीं। देखो आप, ये व्यवस्था, पूरा विश्व, सिखाने वाला कोई भी नहीं, समझाने वाला कोई भी नहीं, फिर भी अपने आप कंट्रोल हो रहा है सब कुछ। हमारा जो जीवन है, मैं आपको प्रश्न ये पूछूंगा, जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, हमारे जीवन में प्रसन्नता बढ़नी चाहिए, हल्का फुल्कापन, लाइटनेस बढ़नी चाहिए, हमारा चेहरा प्रसन्न 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 दिखना चाहिए, हल्का फुल्का, या भारे भरखम? जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए भारे भरखम होते जाए, ये ठीक रास्ता है, या आकाश का उड्डयन होता जाए, इसका अनुभव हमारे जीवन में आता जाए, ये ठीक रास्ता है? ये भी सबकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा, जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, जो निरर्थक है उसका पता चल गया, फिर तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, क्योंकि जो निरर्थक है वो हमारे हाथों से छूट गया। प्रसन्नता, आनंद, हल्कापन, तो आज का दिन प्रसन्नता के साथ जीने का दिन। अब एक छोटा सा प्रश्न और पूछूं, कल मैंने ऐसा कहा था, सोमवार का दिन शांतिपूर्ण जीने का दिन, और प्रारंभ करें जैसे आप पानी पी रहे हो शांति से, चाय पी रहे हो शांति से, भोजन ले रहे हो शांति से। अब आज मंगलवार है, प्रसन्नता के साथ जीने का दिन, तो आज के दिन क्या हम अशांति से पानी पिएंगे, अशांति से चाय पिएंगे, अशांति से भोजन लेंगे? ना, आज भी पानी तो शांति से ही लेना है, भाव को देखना है। अगर भीतर प्रसन्नता है तो पानी से भी जो शक्ति हमें मिलेगी वो जाएगी प्रसन्नता की ओर। अगर हमने चाय पी प्रसन्नता के साथ, तो जो चाय की शक्ति प्रकट होगी शरीर में वो भी बहेगी प्रसन्नता की ओर। अगर हमने भोजन शांति से लिया, प्रसन्नता के साथ लिया, तो भोजन से भी जो शक्ति प्राप्त होगी वो बहेगी प्रसन्नता की ओर। और दिन प्रतिदिन हमारी प्रसन्नता बढ़ती ही जाएगी। परिस्थिति कोई भी हो, मैं आपको कहता हूँ, आपके हाथ में पैसा हो ना हो, समृद्धि हो ना हो, आपका नाम हो सोसाइटी में ना हो, आप के पास, जिसे समाज कहता है बड़ा पद, ये हो ना हो, प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रसन्नता आत्मिक गुण, आत्मा का अर्थ है अंतरावकाश, और अवकाश का अर्थ है जो किसी पर भी आधारित नहीं, जो स्वयं में तृप्त, स्वयं से प्रकट होता है। तो फिर से याद दिला दूं, मंगलवार मंगलमय जीवन अनुभव करने का दिन, प्रसन्नता के साथ जीने का दिन, यहाँ तक कि आकाश में उड्डयन करने का दिन। आप मेरी बात मानो न मानो, लेकिन आप प्रसन्नता को जानो, आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपको लगेगा जैसे उड्डयन हो रहा है। आज के दिन, आज का ये पवित्र मंगलवार, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर, सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबके हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।